अरवली में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी करते गैंग ने झड़पाई है। लाल सीबीए किशोरपुर चौकड़ी पास थी बे आरोपी ने झड़पी पाड़िया। अरवली में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी कराता आरोपी की कार में 11 मोबाइल टावर बैटरी हजी एलसीबी किशोरपुर चौकड़ी पास थी झड़पी ने बे आरोपी ने झड़पी पाड़िया है। एलसीबी आरोपी ने वधु पूछपरछ कराता आरोपी राज्य 31 पोलिस स्टेशन विस्तार में गुना आचरिया होवानी कबूलात कराता कुल 59 स्थलों पर जियो मोबाइल टावर की बैटरी चोरी करी होवानी कबूलात कराता जिला पुलिस बैटरी चोरती गैंग अन्य आरोपी ने झड़पी लेवा पुलिस की टीम रवाना करी थी। बैटरी चोरों ने पकड़ी पाड़ता राज्यव्यापी जियो टावर की बैटरी चोरी नो भेद उकेलवा अरवली एलसीबी की मोटी सफलता मिली है। डीजी श्री विकास साय एवं रेंज डीआईजी श्री वीरेंद्र सिंह यादव सर के मार्गदर्शन हेठ हमारे यहाँ अरवली में 3 बैटरी चोरियाँ रजिस्टर हुई थी, 2 मुडासर रूरल एवं 1 टिंटोई में। इसका डिटेक्शन एलसीबीपीआई डीबी वाड़ा को दिया गया था। उन्होंने अपने अंडर में 2 टीम्स पीएसआई तोमर एवं पीएसआई वागेला की 2 टीम्स बनाकर इसको डिटेक्ट किया है, जिसमें हमें ये पता चला था कि ये आसपास के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अहमदाबाद ग्राम्य हो गया, साबरकांठा हो गया, मेहसाणा हो गया, खेड़ा हो गया, वहाँ भी ऐसी चोरी का सेम एमओ हो रहा था। तो इन्होंने टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर एवं सीसीटीवी फुटेज को देखकर 2 शंकास्पद गाड़ी, 1 होंडा सिटी एवं 1 एक्सयूवी गाड़ी को जीरो इन किया था। कल नाइट पेट्रोलिंग के समय एलसीबी पीएसआई वागेला की टीम ने इनको किशोरपुरा चौकड़ी से जो होंडा सिटी थी, जो शंकास्पद थी, उसमें एक अक्यूज्ड जो बैठा हुआ था अनस एवं सोनू को पकड़ लिया है। सोनू का जब हमने इंटरोगेशन किया, उससे पूछपरछ की, तो उसमें पता चला कि इसमें और 5 लोग शामिल थे। इनका जो गैंग था ये बहुत सक्रिय था, वो यही बैटरी चोरी कर रहा था। जब इससे और पूछपरछ की गई तो हमें एक और को अक्यूज्ड का नाम और पता मिला अहमदाबाद से, जो है जोहेब उर्फ इसरार इब्राहिम खुरेशी। ये रहने वाला है अमरोहा यूपी से। इसको भी हमारे एलसीबी पीआई की टीम ने कल पकड़ लिया है। जब इन दोनों का इंटरोगेशन किया तो हमें ये पता चला कि लास्ट 3 मंथ से 23/3/2024 से 4/6/2024 तक इन्होंने 5 ट्रिप की गुजरात की, जिसमें 59 जगहों पर इन्होंने चोरियां की, बैटरी चोरी। 59 जगहों में से टोटल रजिस्टर्ड जो गुना है वो 31 है। इसमें से मेनली जो बैटरी की कंपनी है वो विजन, कॉस्लाइट एवं एक्जीकॉम की है। ये जियो कंपनी के जो मोबाइल टावर्स हैं उनकी बैटरियों की चोरियां करते थे, क्योंकि ये 5G नेटवर्क सपोर्टेड है। जो 31 रजिस्टर्ड गुना है वो खेड़ा के 8, आनंद के 2, अहमदाबाद ग्राम्य के 10, गांधीनगर के 3, अरवली के 3, वडोदरा ग्राम्य के 2, पंचमहल के 1, मेहसाणा 1 एवं सुरेंद्रनगर के 1 है। जो इनके साथ जो रिकवर हुआ है मुद्दा माल, जिस दिन हमने सोनू को एलसीबी पीएसआई ने पकड़ा, उस दिन 11 मोबाइल टावर की बैटरियां रिकवर हुई है, जिसकी कुल कीमत है 1,10,000। होंडा सिटी गाड़ी 5 लाख की, और जो दूसरे एक्सेसरीज हैं जिससे बैटरी को कट किया जाता था केबल से, वो सारी एक्सेसरीज भी हमारी रिकवर हुई हैं, जैसे कि SFT पिन, केबल कटर, दूसरी सारी एक्सेसरीज। तो टोटल हमारा रिकवर किया मुद्दा माल 6,31,000 का होता है। 2 आरोपी हमने पकड़ लिए हैं, इसमें और 4 आरोपी पकड़ना बाकी हैं, जिसमें हमारी टीम रवाना हो चुकी है और जल्द से जल्द वो आरोपी भी पकड़ लिए जाएंगे। इसमें से जो पकड़े आरोपी हैं उसमें जो सोनू है उसके ऊपर बैटरी का गुना यूपी में भी रजिस्टर हो रखा है। ये बैटरी चोरी करके क्या उपयोग करते थे और कहाँ बेचते थे? इनका मेनली बेचना, जो हमने दूसरा जो आदमी पकड़ा है जो है उसके यहाँ ये बैटरी रखते थे और फिर बाद में दिल्ली ले जाते थे। इनका जो मेन जो बिजनेस था बेचने का वो दिल्ली में होता था। सर वो गैंग कौन से नाम से पहचाना जा रहा है? इनका कोई एकदम से ऐसा कोई गैंग का नाम नहीं है। ये बेसिकली कोई एक स्टेट टारगेट करते हैं, उस स्टेट में 2-4 महीनों तक केबल चोरियां कर बैटरी चोरियां करते हैं, फिर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। जैसे कि पुलिस को पता ना चले कि टोटल इन्होंने चोरियां कितनी कर रखी, तो वो भी हमारे पास हम कलेक्ट कर रहे हैं दूसरे स्टेट से भी कि इन्होंने दूसरे स्टेट में भी कितनी चोरियां की। इनका एमओ यही था कि पहले ये रेकी करते थे और मेनली ये लोग जियो टावर की जो बैटरियां हैं उन्हीं को ये लोग टारगेट करते थे, क्योंकि वो 5G सपोर्टेड थी। और रेकी ये लोग करते थे, एक दो दिन पहले घूमते थे मेनली हाईवे के जो
पास में जो टावर्स थे उन्हीं को अलग टारगेट करते थे क्योंकि इजी रहता था उनके लिए। हितेंद्र पटेल अरवली।